empirical formula. What is the molecular formula? A formula that specifies the actual number of atoms of each element in one molecule. Okay, this is molecular formula. ठीक है, और दूसरा क्या है? Empirical formula. तो empirical formula क्या होता है? Formula with the smallest whole number mole ratio of the element that, जैसे empirical formula को देख लेते हैं. जो empirical formula है that may or may not be the same as the molecular formula, and the molecular formula is always a smallest simple multiple of the empirical formula. Just like यहाँ पे आपको H2O2 दिख रहा होगा, है ना? ये जो H2O2 दिख रहा है आपको, जो ये H2O2 है उसमें आप लोग देख रहे हो कि empirical formula H2O2 का क्या हो जाएगा? HO, but molecular formula is the will be the two times of the empirical. उसके बाद how to calculate an empirical formula. तो step first, आपको या तो mass दिया होगा, either percentage composition. You will be given either mass or either percentage composition. If you are given percentage composition, अगर आपको percentage composition दिया, आपको percentage composition दिया है, तो आप क्या करोगे? इसको टर्न किस में कर देना है? ग्राम्स, बाय अज्यूमिंग 100 ग्राम ऑफ द सैंपल. ठीक है, कन्वर्ट द मासेस टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट. अब जो ये मास मिल गया है सेकेंड स्टेप के बाद, इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देना है. कन्वर्ट करोगे तो फोर्थ में क्या करोगे आप? उसके बाद फाइंड फिगर आउट द प्रोपोर्शन ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट. ठीक है, हर एक मोल्स का, हर एक एलिमेंट के मोल्स का प्रोपोर्शन निकालना है. ठीक है ना? फिर जैसे अगर आपको ना मास दे रखा है, तो मास को मोल्स में चेंज करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलर मास से डिवाइड कर दो, या मोल्स दे रखे हैं तो उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका यानी कि टोटल मास अपॉन उसका मोलर मास, टोटल मास अपॉन उसका मोलर मास. फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल देखो, स्टेप वन में क्या दे रखा है इसने? कंपाउंड ये दे रखा है इसने, है ना? कंपाउंड दे रखा है, जिसमें आपको दे रखा है इसने कंपाउंड इज 40.05 ऑफ सल्फर एंड 59.95% ऑफ ऑक्सीजन. इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग होता है कि 100 आपने एज्यूम किया, लेट सपोज अगर आप इसको 100 ग्राम एज्यूम करते हो, अगर इसको आप क्या करते हो 100 ग्राम एज्यूम करते हो, तो आपका क्या हो जाएगा? 40.05 ग्राम सल्फर हो जाएगा, और 59 जितना परसेंटेज है उसी को डायरेक्टली आप किस में चेंज कर दोगे? ग्राम में चेंज कर दोगे. तो ग्राम में चेंज करने के बाद यह आएगा, फिर क्या करना है? इसके मोल्स निकालने. मोल्स कैसे निकालते हैं पता है? मोल्स निकालते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ठीक है ना? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. गिवन मास क्या है इसमें? सल्फर का गिवन मास कितना है? 40, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32.07. तो इससे आपका आंसर कितना जाएगा? 1.249 मोल. किसके मोल? सल्फर के मोल कितने आ गए? 1.249. और ऐसे ही जो आपको दे रखा है ऑक्सीजन का, जो मास दे रखा है वो कितना है? 59.95. और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16, उसका मोलर, उसका मास कितना है अपना? 16 ग्राम. ये जो वन मोल लिखा है वो वन मोल के रेस्पेक्ट में है. ठीक है, तो उससे आपका मोल्स आ गया कितना? 3.747. ठीक है, क्या करना है उसके बाद? स्टेप फोर में देखो आपको क्या करना है. ये आपके मोल्स आ गए सल्फर के 1.249 और ऑक्सीजन के कितने आ गए? 3.74. तो स्मॉलेस्ट कौन सा है इन दोनों में? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? सल्फर वाला 1.249. अगर 1.249 है तो आप क्या करोगे? दोनों को ही डिवाइड करोगे किससे? 1.249. कहने का मतलब क्या है? 1. जो ये 249 दे रखा है इसने, इसने क्या दे रखा है यहाँ पे? 1.249
2, 4, 2, 4, 9 upon 1.249, 1.249. तो इससे आंसर कितना आ जाएगा आपका? आंसर इससे कितना आ जाएगा? लगभग कितना जाएगा? 1. कितना जाएगा? 1 आंसर आपके इससे, ठीक है ना? ऐसे ही उसके बाद आपको क्या कर देना है, जो 3.2 ये है इसको भी डिवाइड कर देना है 1.249 से, तो आपका लगभग कितना आ गया? 3 आ जाएगा लगभग, है ना? पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट को आपको इग्नोर करना है। 3 आ गया तो आप ये बोलोगे सल्फर कितने हैं? 1, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो ये आपका क्या बन गया? आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या बन गया है? सल्फर ट्राईऑक्साइड। और यही इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी बन गया ना, यही इसका क्या बन गया? इंपेरिकल फॉर्मूला भी बन गया। उसके बाद देखो कैसे वो करना है, इसको रिमेम्बर कैसे करना है। सबसे पहले परसेंट को मास में चेंज करना है और मास को मोल में चेंज करना है। परसेंट को मास में, मास को मोल में, और जो मोल आया है उसको क्या करना है? डिवाइड बाय स्मॉल, स्मॉल वाले मोल से हर किसी को डिवाइड कर देना है और इसको मल्टीप्लाई। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है आपका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट है, टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है? समझना, जैसे बेंजीन और एसिटिलीन का ले लेते देखो, यानी कि देखो जैसे कैलकुलेटिंग मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास देखते हैं, तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा इसका? यू विल बी गिवन द मोलर मास। स्टेप फर्स्ट क्या होगा? यू विल बी गिवन द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड एंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलर मास दे देंगे। कैलकुलेट द एम्पिरिकल मास, एक तो एम्पिरिकल मास करना है इसका अब देखो, और दूसरा क्या करना है? अब इसके स्टेप से एग्जाम्पल में जाए तो देखो, एग्जाम्पल में हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है CH2O और एक मोलर मास दे रखा है। ये एम्पिरिकल मास नहीं दे रखा है, मोलर मास कितना? 180। तो हम क्या करेंगे, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है इसका मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसका? इसका मास निकालेंगे। तो इसका मास कितना आ जाएगा बताओ? CH2O का मास कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अगर इसका 30 आ गया तो थर्ड स्टेप में क्या करना है? इस एम्पिरिकल मास से डिवाइड कर देना है मोलर मास को, यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 30। क्या कर देना है? 180 डिवाइडेड बाय 30। 180 डिवाइडेड बाय 30 आप जैसे ही करोगे तो आपको एक होल नंबर मिल रही है लगभग। इस होल नंबर से आप क्या कर दोगे? इनटू क्या, किसको कर दोगे? या आप ये कर सकते हो ना, इसी से आप क्या कर सकते हो? ठीक है, आप क्या कर सकते हो? इसी से क्या कर सकते हो आप? इससे आप क्या कर सकते हो? CH2O को डिवाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? CH2O, इसको इससे आप कर सकते हो CH2O, CH2O को क्या कर सकते हो आप? मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आपका क्या बन जाएगा? C6, क्या बन जाएंगे आपके? C6H12O6। क्या बन जाएगा इससे? C6H12O6। और ये आपका क्या बन जाएगा? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला था CH2O और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे? C6H12O6, ठीक है।